बाना साहब में वामनास के जानो मार के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का सफर जारी। सांगला हिल पुलिस ने ट्रैक्टर छीनने वाले डकैत गैंग का सरगर्म रुकन गिरफ्तार कर लिया। मुलजम जावेद उर्फ लाली के कब्जा से 15 लाख रुपए की मालियत का ट्रैक्टर बरामद कर लिया। SHO सदर सांगला ने बरामद होने वाले ट्रैक्टर का असल मालक के हवाले कर दिया। ट्रैक्टर जिले अफजाबाद के रहायशी अब्दुल कुदूस दौरान डकैती छीना गया था। ट्रैक्टर वापस मिलने पंजाब पुलिस ननकाना के साथ इजहार तशक्कुर ढेर दुआएं। डकैत गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला बिला इम्तियाज जारी है। मुकारा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश और नजायज असलाह रखने वाले अफराद को धर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में बदनाम जमाना फरोश मखदूम और दाद मोहम्मद शरीफ और मानी और तनवीर शामिल। मुलजमान के कब्जा से किलो 180 ग्राम चर्स, 60 लीटर देसी शराब, शराब तैयार करने वाली चालू भट्टी और 2 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। पुलिस ने मुलजमान पर मुख्तलिफ नवाइयत के मुकदमा दर्ज करते हुए जैम पेशा अफराद के लिए कानून में किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी। सऊदी अरब में किंग फहीद कम्प्लेक्स याद के तैयार करता कुरान पाक के नुस्खे दुनिया भर में राइज है। कुरान पाक के नुस्खों की खुश नवीसी का एजाज शेख उस्मान तिया को हासिल है, जो गुज़श्ता 40 साल से इस अजीम काम को सर अंजाम दे रहे हैं। 1980 में इन्हें कुरान मजीद की किताब का काम सुपुर्द किया गया, इस वजह से इन्हें कुरान फहम और ज़ौक नसीब हुआ। कुरान मजीद और एक ऐसी लहामी किताब है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का दरस देती है, इसी में कामयाबी दुनिया व आखरत की। मियां चैनल असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे हिदायत कोरोना वायरस और डेंगू मच्छर पर इजलास मुनक्कद। इजलास में तमाम सूबाई महकमों के सरबराहान, महकमा पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ ने असिस्टेंट कमिश्नर कोरोना वायरस और डेंगू के हिफाजती इकदाम पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम अफसरान को हदायत जारी की कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की तरफ डेंगू मच्छर पर भी जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। इजलास में लाया अमल बनाया गया जिसमें तमाम महकमे अपना अपना किरदार अदा करेंगे। हरम मक्की शरीफ में गुलाफे काबा की मरम्मत का काम मुकम्मल कर दिया गया। गुलाफे गुलाफ का दामन खींच लिया गया। गुलाफ काबा फैक्ट्री के माहरीन साल के मुख्तलिफ अय्याम में एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक गुलाफे काबा की मरम्मत का काम करते हैं, जिसके तहत आज काम को मुकम्मल कर लिया गया। हरम शरीफ को कोरोना वायरस से पाक रखने का आजम किए हुए, जिसके तहत हरम में दाखिल होने वाले हर शख्स का मुआयना होता है। गुलाफे काबा की मरम्मत का काम शुरू करने से पहले माहरीन का मुआयना हुआ। निजी इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात को जरासीम से पाक किया गया। कादियानियों का बहुत बड़ा फ्रॉड, रबुआ में सरकारी जमीन पर कादियानियों का कब्जा, झूठी कब्रें बना डाली और जमीनों पर कब्जा शुरू कर दिया। कारी ज़ियाउल सियालवी का हुकूमत से इस कब्जे को रुकवाने का मुतालबा। बिस्मिल्ला भी लिखे हुआ कादियानी हैं और ये जड़ा ना बिस्मिल्ला लिखे हुआ इस्लामी शायर है, ठीक है ना। सदर मुंडे दफ्तर जनाब, ये कब्जे की जगह है, ये इन लोगों ने जो है गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा करके वो आगे भी कर रहे हैं, वो आगे भी देखें। और ये जो है जगह पे कब्जा करता जा रहे हैं गवर्नमेंट का, आइए। और ये झूठा फ्रॉड से ये यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये कब्रें दिखाने के लिए और साथ वो कब्रें ये नए नए बना रहे हैं। मेरी हुकूमत से मेरा हुकूमत से मुतालबा है और जो इंतज़ामिया है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें कि जगह पे कब्जा करके झूठी कब्रें बनाकर, ये देखें कब्रें बनी नहीं हुई हैं, ये ऐसे इन्होंने बना दिया कब्जा करने के लिए। और उसके बाद जो है, अच्छा दूसरा ये इनका कब्रिस्तान है, ये इनका कब्रिस्तान है, इन्होंने शायर इस्लामी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्होंने लिखा हुआ है। क्या हुकूमत इस पर क्यों नहीं एक्शन लेती, किस वजह से नहीं ले? मेरे हुकूमत से मुतालबा है, मुअद्दबाना मुतालबा है, एक तो इस कब्जे को रुकवाया जाए कि ये जो कब्जा हो रहा है, और वो जगह ये साथ और भी गिरा रहे हैं। ये मैं बताता चलूँ, ये जो कब्रें हैं इसको ये समझ लो करोड़ों रुपए में बेचते हैं, तो इनको किसने इजाज़त दी कि ये कब्जा यहाँ पर करें और ये यहाँ पर बनाए? पहले इन्होंने फ्रॉड से ये ऐसी जगह घेरी और फिर ये कब्रें कर रहे हैं। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि फिल फौर इस पर एक्शन लिया जाए
और यहाँ का जो SHO है उनसे भी मैं कहूँगा कि फौरी तौर पर इसको रुकवाया जाए, इससे पहले कि हम एहतजाज करें या कुछ करें।